फतेहपुर बिहार से दो बच्चों को मदरसे में पढ़ाने के लिए लेकर पहुंचे दो मौलानाओं को रविवार की शाम जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद मौलानाओं को छोड़ दिया गया, बच्चों को बाल कल्याण समिति भेजा गया है। पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को बुलाया है। बिहार के पूर्णिया निवासी दानिश आलम और मोहम्मद मुजम्मिल बिंदकी कोतवाली अंतर्गत जिगनी के मदरसे के मौलाना हैं। करीब डेढ़ साल बाद मदरसा लौट रहे थे। वो दोनों नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से पूर्णिया के 10 बच्चों को लेकर स्टेशन पहुंचे, तभी चाइल्ड लाइन के अजय चौहान ने संदिग्ध जानकर जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी एसएचओ अरविंद कुमार सरोज पहुंचे और छानबीन चालू की। उसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति भेजा गया है और मौलाना को छोड़ दिया गया है। एसएचओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के आने के बाद बच्चों की तस्दीक की जाएगी, परिजनों के मुताबिक कार्रवाई होगी। वहीं चाइल्ड जिला संयोजक अजय चौहान ने सभी बच्चों की संदिग्ध देखकर पूछताछ की है। हमारी चाइल्ड लाइन टीम जो है यहाँ आउटरीच कर रही थी और ये लोग उतर करके स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे, तो इनमें शंका जाहिर हुई कि ये 10 बच्चे दो लोगों के साथ हैं और ये कहाँ से आए हुए हैं। तो इनसे बात करने के लिए फिर तुरंत हम जीआरपी थाने आए, यहाँ से दो सिपाही लेकर के साथ में गए और इनसे पूछताछ हुई। तो इन्होंने कहा कि हम पूर्णिया बिहार से आए हुए हैं, इन बच्चों को लेके हम मदरसा जिगनी जा रहे हैं, लेकिन इस समय कोविड गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को आवासीय व्यवस्था के लिए ना तो इनकी कोविड की कोई जाँच रिपोर्ट थी, ना माता पिता का कोई ऐसा हलफनामा इन लोगों के पास था जिससे कि ये बच्चे वहाँ पर पहुँच सके या अध्ययनरत रहे। और बच्चों के दस्तावेजों के नाम पर केवल आधार कार्ड था जो भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसके बाद मेरे द्वारा न्यायपीठ बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई, जिससे माननीय सदस्य श्री आर के पांडे जी और श्रीमती अपर्णा पांडे जी के द्वारा यहीं रेलवे स्टेशन आकर के जी आर पी थाने के पास उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि बच्चों को हैंड ओवर चाइल्ड लाइन कर ले और कल बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत कर दे जिससे अग्रिम कार्रवाई की जाए।